देखिए, इसका जवाब तो लालू जी को देना चाहिए। और समाज में कैसे एक दूसरे से झगड़ा लगे, ये बराबर से उनका योजना रहता। चलो ना, वह राहुल गांधी राम दरबार जाने के लिए व्याकुल हैं। नमस्कार, मैं शुभ प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बिहार में हो रहे मनोज झा के ठाकुर विवाद को लेकर अब जो है इस पर सियासत बढ़ रही है। और इसी कड़ी में अब बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का भी बयान सामने आ गया है, जहां पर उन्होंने आरजेडी को विषमता रखने वाली पार्टी करार दिया है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि ये जो पार्टी है समाज में सामाजिक विषमता को फैलाने का काम करती है। गिरिराज सिंह ने आरजेडी पर तंज किया है, सवाल उठाया है, आरोप लगाए हैं और साथ ही ये कहा है कि इस तरीके का जो तमाम कारनामा है ये आरजेडी के तरफ से ही किया जाता है और ये आरजेडी का पुराना इतिहास रहा है, इसमें कुछ नया नहीं है। और गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुन लीजिए। देखिए, इसका जवाब तो लालू जी को देना चाहिए। लालू जी की पार्टी सदा से सामाजिक विषमता में विश्वास रखता है। और समाज में कैसे एक दूसरे से झगड़ा लगे, ये बराबर से उनका योजना रहता। तो किसी भी समाज को आहत करने का किसी का अधिकार नहीं। सर, इसको लेकर के महागठबंधन में ही दरार की स्थिति हो गई है और तरह तरह के विरोधाभास देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोग बचाव कर रहे हैं, कुछ लोग सड़क मतलब बयानबाजी कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। अब ये तो गठबंधन के लोग जाने। तो इसको क्या देखा जाए कि सर महागठबंधन में दो खड़ा होने का उम्मीद है? अरे ये हम जाने, महागठबंधन जाने उसका काम, लेकिन ये किसी को अधिकार नहीं कि किसी के समाज के को आहत पहुंचे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा हमारी लड़ाई गणेश जी के दूध पिलाने वालों से है। चलो ना, वह राहुल गांधी राम दरबार जाने के लिए व्याकुल हैं, इनको। जहां पर आप सुन पा रहे हैं कि यहां पर साफ तौर पर गिरिराज सिंह ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि इस पार्टी का काम ही है समाज में झगड़ा लड़ाई करवाना, धार्मिक उन्माद फैलाना, सामाजिक झगड़े को बढ़ाना, जात पात की राजनीति करना और सत्ता की रोटी सेकना, यानी कि ये तमाम बातें जो है यहाँ पर केंद्रीय मंत्री ने कह दी है। और आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा है कि मनोज झा ने जिस तरीके का बयान दिया है, इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि वो समाज को क्या कहना चाहते हैं, समाज में कैसी विषमता को फैलाना चाहते हैं। साफ तौर पर यहाँ पर पता चलता है अगर उनकी मंशा साफ होती, अगर उनके मन में कुछ वैसी बात नहीं होती तो इस बयान को देने से पहले वो 10 बार सोचते। लेकिन वो जिस तरीके का बयान दे रहे हैं, इससे साफ तौर पर पता चलता है कि वो समाज में जात पात की राजनीति को बढ़ावा देना चाहते हैं। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल एक न्यूज 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।